नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बरहज विधानसभा क्षेत्र के टिकट के दावेदार सतीश चंद्र जायसवाल ने एलईडी युक्त रथ यात्रा को पार्टी कार्यालय से रवाना किया। जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने पार्टी का झंडा दिखाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सतीश चंद्र जायसवाल ने कहा कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और पूरे जीवन भाजपा की सेवा में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बरहज विधानसभा से टिकट के लिए मैंने दावेदारी की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरी सेवाओं और अनुभवों को देखते हुए मुझे मौका जरूर देगी। अगर मुझे मौका मिला तो क्षेत्र का चौतरफा विकास जरूर करूंगा। जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने कहा कि सतीश चंद्र जायसवाल पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और काफी अनुभवी आदमी हैं। जायसवाल द्वारा निकाली गई यह रथ यात्रा जिले में मोदी और योगी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा। देखिए, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं श्री सतीश चंद्र जायसवाल जी, बरहज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और यह सुविचार उनके मन में आया कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की उपलब्धियों को लेकर के अपनी तरफ से एक एलईडी वैन कम से कम बरहज विधानसभा में चलवाया जाए और उन्होंने पार्टी कार्यालय से इसका शुभारंभ हो, यह मुझसे चर्चा किया था। मकसद साफ है कि हमारी जो उपलब्धियां हैं उसको आम जनता के बीच में हम प्रचारित प्रसारित करें, इसीलिए यह एलईडी वैन आज शुरू किया गया। ये आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को महत्व देगी? भाई, अब तक तो संगठनात्मक महत्व बहुत रहा है और शेष जो आप कह रहे हैं, आप जिस भाव से पूछ रहे हैं, तो उसका निर्णय भी जो इतनी लंबी इनकी सेवा रही है, पार्टी जब अन्य निर्णय करती है तो उसको भी ध्यान में रखती है। ये पूरे बरहज विधानसभा में घूमेगी जी। इसके अलावा इन्होंने हमसे यह कह रखा है कि अध्यक्ष जी, जहां भी पार्टी का जनपद में कार्यक्रम कोई हो आप हमको बताइए, ये वैन वहाँ जाएगी। चौपाल होने वाले हैं हम लोगों के, महिलाओं के, अनुसूचित वर्ग में, उन सब कार्यक्रमों में भी यह एलईडी वैन घूमेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम स्वयं की प्रेरणा से एक बेहतर काम सतीश जी ने किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकर वैन निकाला है जी, क्या मकसद, चुनाव लड़ने मकसद आपका है? जी, मैं मुझे कहां से चुनाव लड़ेंगे? 342 बरहज विधानसभा से चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा है, दावेदारी मैं किया हूं कि 60 वर्षों के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनी और जो माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और 60 वर्ष बनाम जो है 4.5 वर्ष के बराबर जो है इन्होंने काम किया, गांव गरीबों को जो है आवास मिला, शौचालय मिला, हर तरह की सुविधा आज जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, काम इनका जो है सोच भी ईमानदार, काम दमदार। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यूपी प्लस योगी जी, योगी जी की महत्ता उतनी ज़्यादा है जितना हमको उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है। इसलिए जो है आज हम जो है भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जो है गांव-गांव में घुमाकर लोगों को ये बताएंगे
कि भारतीय जनता पार्टी कमल को जिताएं आप और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएं, जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी में एक सफल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सके। जैसा कि 350+ का कार्यक्रम चल रहा है, अब हमारे जो डिप्टी सी एम माननीय जो केशव मौर्य जी का घोषणा हुआ बरियारपुर में कि 300+ हम लोग रहेंगे, और ऐसा लगा बरियारपुर में कि मेला उमड़ चुका है, किसानों का जो है सैलाब उमड़ा हुआ है, वो रैली नहीं रैला था, इसलिए जो है जय हिंद भारत कि हम कार्यक्रम को चला रहे हैं।